सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम आए हैं महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और अकोला तालुका में, और हम अभी ट्रैकिंग करते हुए अभी जा रहे हैं कालसुबाई एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। तो हमने 2 बजे से ट्रैकिंग शुरू की थी, अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी है, आप देख सकते हैं अभी 4 बज गए हैं। बाकी मज़ा आ रहा है। मेरे साथ में आया है अश्विन भाई, जतिन भाई और ब्रिजेश भाई। हाय बोलिए। हाय। हाउ इज द जोस? यस यस। हाउ इज द जोस? दोस्तों मैं आपको बता दूं, कालसुबाई ट्रैकिंग के लिए जर्नी शाम के 4 बजे से हमने घर से स्टार्ट कर दी थी। इस जर्नी के दौरान हम रुक रुक के और आराम आराम से इस सफ़र का मजा ले रहे थे। देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं कालसुबाई, तो आधे रास्ते में ब्रिजेश लोग काजू लेके आ रहे हैं। ये देखो बी किधर है, बी इसके। और गाइस ये सब निकाल तो लोग निकल काजू बेचते हैं, खाओगे आप? कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस, ये देखिए काजू कैशू नट बीच में उतरे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश सीजनेबल रहता है। एकदम रसीले, बहुत टेस्टी है, आप देख सकते हैं गाइस। देखो गाइस, काजू काजू खाते हुए पार्टी लोग। 2000 years later. फ्रेंड्स, हम लोग 9:30 बजे कालसुबाई के बारी विलेज में पहुंच गए थे। 5.5 घंटे के ड्राइव करने के बाद मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया था। जो घर से खाना लाए थे वही खाना खाया। जतिन भाई पनीर लाए। ये भिंडी है, ये चौरी है, नहीं वाल की दाने है। हम 2-3 घंटे के लिए पार्किंग एरिया में बाहर ही चटाई बिछा कर सो गए, क्योंकि हमने कोई रूम बुक नहीं की थी। और अगले दिन संडे 2 बजे से नाइट ट्रैकिंग जो करनी थी। और दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडर्स आ चुके हैं, सीढ़ियाँ आ चुके हैं, और अश्विन भाई चढ़ रहे हैं। सो गाइस, हम लोग आधे तक पहुँच गए हैं कालसुबाई पिक पर। और ये दोस्तों 5400 फीट इसकी हाइट है अबव सी लेवल, और महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा शिखर है ये कालसुबाई। तो हमने दोस्तों 2 बजे से हमारी ट्रैकिंग शुरू की थी, और अभी बजे हैं 4 और यहाँ पर पहुँचे हैं। और पूरा ट्रैकिंग का जो टाइम लगता है इंटरनेट के हिसाब से 4 घंटा लगता है, ऐसा लिखा हुआ है। अभी और हमें ऊपर जाना है, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो बने रहिए एंड तक। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो चलते हैं। जतिन भाई कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। एकदम मजा आ रहा है। यहाँ पे है ब्रिजेश, कैसा लग रहा है ब्रिजेश? थका थका लग रहा है। जा रहे सेल्फी ले रहे हैं, और जतिन भाई तो चश्मा भी पहन लिया है ना, अंधेरे में, अंधेरे में। और अश्विन भाई तो हमारे से आगे जा रहे हैं, लगता है चना खा के आया है आज। जो लगता है पिछले जन्म में घोड़ा रहा होगा भाई। मजा आया तो चलते हैं। ये देखो हमारा 50 साल का बुड्ढा कितना फंस चढ़ रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि कालसुबाई पर्वत का नाम एक
कालसू नामक की एक कोली लड़की से लिया गया है। कहानी के अनुसार कालसू को जंगल में घूमने का शौक था। एक दिन वह नजदीकी गांव इंदौर में पहाड़ी की तलहटी में आई, जिसे अब कालसूबाई कहा जाता है। एक दिन एक कोली परिवार ने कालसूबाई से उनके साथ रहने का अनुरोध किया। कालसूबाई केवल एक शर्त पर उनके साथ रहने को तैयार थी कि उसे कभी भी बर्तन साफ करने या झाड़ू लगाने के लिए नहीं कहा जाएगा। मामला तब तक ठीक ठाक चलता रहा जब तक कि एक दिन परिवार में से एक ने कालसू को कुछ बर्तन साफ करने का आदेश दे दिया। उसने वैसे ही किया जैसे कहा गया था। उसके तुरंत बाद वह पहाड़ी पर चढ़ गई और गायब हो गई। गांव के लोग कालसूबाई को देवी मानते थे और पूजा भी करते थे, तो उसी के याद में और उसकी पूजा करने के लिए यहाँ पर दोस्तों कालसूबाई मंदिर बनाया गया है। देखिए गाइस, चप्पल की क्या हालत हो गई है। जूते पहन के आना था। हवा टाइट अश्विन भाई? नहीं अभी बढ़िया। मजा आया? वो 120 का भरा है। जतिन अच्छा भाई मजा आया? ब्रिजेश भाई मजा आया? बहुत मजा आया। मैं तो आया ही हूँ ना। अरे मैं वीडियो के कैमरे के पीछे रहता हूँ ना, तो मेरा ही रह जाता है। दोस्तों अभी ये टाइम पे चढ़ते तो हवा टाइट हो जाती थी। हवा क्या, 120 की हवा तो चढ़ ही नहीं पाते थे। 10 की हो जाती, लगभग 20-30 लीटर पानी पी जाते। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कालसू माता जी का मंदिर है। जो ऊपर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दुकानें हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं नीचे बेसमेंट में आ गए हैं, बारी विलेज के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कालसूबाई फोर्ट है। वहाँ ऊपर गए थे हम लोग, शानदार, बहुत ही बढ़िया
मजा आ गया। तो हमारा यह टास्क भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अभी जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, वहाँ पे जाते हैं। और गाइस क्या बोलो आपको, शानदार ट्रैकिंग है, मज़ा आ गया। सो गाइस हमने समर सीजन में हमने ट्रैकिंग की, मानसून में और भी यहाँ पे सीनिक व्यूज़ रहते हैं, मज़ा आ जाता है। लेकिन क्या करें, जब उत्सुकता आती है मन में तो जब तक ख़त्म नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तब तक मन में चूहे कुत्ते रहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो दोस्तों आज की हमारी कालसुबाई की ट्रैकिंग यहाँ पे संपन्न होती है, मजा आ गया दोस्तों। सो गाइस नाइट में तो दिखता नहीं था, अभी दिन में देख लो, दिखाता हूँ आपको शानदार नजारा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।